हेलो गाइस, या तो आज वीडियो होने वाली है कैंपस टूर ऑफ निम्स की। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कैंपस की तरफ और बनाते हैं वीडियो। कैंपस का पूरा टूर दूंगा, एंड से ले शुरू के गेट से लेकर पूरा घुमा के एंड तक, साउथ नॉर्थ सब जगह। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फटाफट से चलते हैं कॉलेज की तरफ। कॉलेज आ चुका है, ये है मेरा कॉलेज। तो चलिए हटाट से अंदर चलते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्लॉग का मैं कैंपस टूर इस हॉस्पिटल से देना चाहूँगा। यह है यहाँ का हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल। यह निम्स हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट, पूरा बहुत बड़ा सारा हॉस्पिटल है। और मेडिकल स्टूडेंट्स की जो मेन कारण है इस कॉलेज में पढ़ने का, वो है ये हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल ना होता तो शायद मेडिकल स्टूडेंट्स इतने यहाँ ना आते, पर इसी की यही वजह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं इसी कॉलेज के कारण। पॉइंट है यह हॉस्पिटल है। तो चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। ये है यहाँ की थोड़ी सी खूबसूरती, इन्होंने हर जगह ये लगा रखे। यह हॉस्पिटल के लिए कैंटीन छोटा सा। यह है हॉस्पिटल का एंट्रेंस, यहाँ से हॉस्पिटल एंटर होते हैं। यह है गार्डन, यहाँ से जो हॉस्पिटल में मरीज आते हैं या उनके रिश्तेदार जो भी मिलना आता है वो यहाँ इस गार्डन में आराम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो निम्स का स्टाफ होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए यहाँ से एंट्री है। आगे बढ़ते हैं, तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है ICICI बैंक, देख सकते हैं आप। ATM है अंदर, ये अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, करवाना चाहे तो। ये है मेरा पैरा मेडिकल कॉलेज, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं रोज़ आता हूँ, मेरा मेडिकल कॉलेज है। अंदर का मैं आपको शूट नहीं करके दिखा सकता, यहाँ का शूट करके दिखा सकता हूँ। ये मेरा फ्रेंड ब्लॉग बना रहा है। ऐसा इससे आगे चलकर ये आ जाता है IDBI बैंक, यहाँ बैंक है बहुत सारे। सो इसी के आगे ये है पोस्ट ऑफिस, आज संडे है तो बंद है। ये है हमारी ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पर अंदर खाने पीने का जो भी ग्रोसरी का आइटम होता है वो सब मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँगा अंदर से कैसा दिखता है। सो गाइस, ये अंदर से इसका थोड़ा सा व्यू है, आप देख सकते हैं अंदर से ये कैसी दिखती है, ठीक है। ऐसी है ये शॉप अंदर से। ये आइसक्रीम कंटेनर्स, ये आइसक्रीम के जो फ्रिज होते हैं वो हैं ये, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे ये अंदर जो गली जाती हुई दिख रही है, ये है NP यूनिफॉर्म। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और। ये है जो आपको दिख रहा है, ये है एक्सप्रेस फूड, ये दूसरा कैफ़े है यहाँ का। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट है। तो ये है निम्स का मॉल, शॉपिंग मॉल, काफ़ी महंगा मॉल अंदर का। ये निम्स सेंट्रल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नर्सिंग ग्राउंड। और यह है इसकी खूबसूरती, जो पीछे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। यह है नर्सिंग ग्राउंड,
यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ से आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन है काफ़ी बड़ा। यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, ठीक है। और नर्सिंग ग्राउंड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर है नर्सिंग कॉलेज। यह है यहाँ का निम्स नर्सिंग कॉलेज। सो ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो है होटल मैनेजमेंट एंड न्यूज़ 24 वालों की, यानी जो यहाँ पर जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए है ये बिल्डिंग, और होटल मैनेजमेंट के लिए भी है ये बिल्डिंग। यह है यहाँ का रेस्टोरेंट, सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट यहाँ का मल्टी कजिन रेस्टोरेंट ले गैब्रियल, जिसको यहाँ पर एलजी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम चलेंगे इसके अंदर और कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे, फिर उसके बाद व्लॉग शूट करेंगे। गाइस अभी हम आ चुके हैं एलजी, ये रहे मेरे फ्रेंड्स, ये तो पहले कुछ खाते हैं फिर व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा डोसा आ चुका है। डोसा नहीं, छोले भटूरे है। हाँ सॉरी, छोले भटूरे आ चुके हैं, माय मिस्टेक। खुशी खुशी में, खाने की खुशी में आज निकल गया डोसा। जरियाब हमें पार्टी दे रहा है आज, पता नहीं क्यों पार्टी दे रहा है, कभी कभी इसका मन होता है पार्टी देने का। तो गाइस अब हम आ चुके हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, ये है NIT बिल्डिंग, निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद हम चलेंगे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड जो इंजीनियरिंग की वर्कशॉप है वहाँ, और उसके बाद चलेंगे हम जिम। ये है छोटा सा एक और कैफ़े, यहाँ पे कैफ़े और रेस्टोरेंट बहुत मिल जाएंगे आपको। बॉयज़ हॉस्टल्स, यहाँ पे पूरा बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे पूरा बॉयज़ हॉस्टल है। और गाइस एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, अनुपमा मल्टी कजिन रेस्टोरेंट हॉस्टल के अंदर। ये है बास्केटबॉल ग्राउंड, ये वाला बास्केटबॉल ग्राउंड है, इसके अंदर है जिम, स्विमिंग पूल और इंडोर गेम्स। तो चलते हैं इसके अंदर। और ये है इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये है यहाँ से एंट्रेंस, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, मैं आपको अंदर का नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि अंदर जिम बंद है। आपको मैं यहाँ से ज़रूर दिखा सकता हूँ, स्विमिंग पूल आपको दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा बहुत, जितना भी आइडिया लग रहा होगा। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, थोड़ा फोकस नहीं हो रहा, आपको पता चल रहा होगा ये स्विमिंग पूल है। गाइस इन्होंने हमें अंदर जाने दिया है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, अंदर शूट करना संडे है इसलिए बंद है, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आज हमें जाने दे रहे हैं। तो फटाफट से अपन ले लेते हैं जिम का शूट। ये चेंजिंग रूम है स्विमिंग पूल के लिए, और ये है जिम। संडे को जिम पूरा बंद रहता है भैया? संडे को जिम पूरा बंद रहता है सुबह शाम को। ये है जिम, देख लीजिए आप, चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये है स्विमिंग पूल, एक व्यू दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ से। और ये है स्विमिंग पूल, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट से इन्होंने हमें स्विमिंग पूल दिखाने दिया और जिम भी दिखाने दिया, तो अब चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा व्लॉग बाकी है, व्लॉग में आपको एक और कैफ़े और एक और मेडिकल ग्राउंड दिखाना है और मेडिकल कॉलेज दिखाना है, ये हमारा बाकी रह चुका है। तो फटाफट से उसको कवर करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और वीडियो को करते हैं फटाफट से एंड। तो चलिए, तो गाइस एक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से मेरा पैरा मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जहाँ मैं अभी आपको ले जाने वाला हूँ, और यहाँ पे निम्स में स्कूल भी है, ये जो आपको दिख रही है स्कूल, ये स्कूल है जो कलरफुल में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं मेडिकल कॉलेज की तरफ, और वहाँ पर जो कैफेज़ और जो है, मैं आपको वहाँ से एंड करता हूँ। गाइस ये है सबके खातिर रेस्टोरेंट, और ये है निम्स के हॉस्पिटल का जो एंट्री गेट होता है, वहाँ से मैं आपका व्यू दिखा रहा हूँ। ये हॉस्पिटल के पीछे का गेट है, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड है, और यहाँ पर एक और SBI का ATM है, एक और एक SBI का ATM है। सबके खातिर आपको दिख रहा है, ये एक हॉस्पिटल का या कह सकते हैं छोटा सा कैंटीन और रेस्टोरेंट है। सो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वीडियो रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।